बीती रात सरदारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोपावर के नजदीक निर्माणाधीन सड़क पर कार्य कर रहे मजदूरों के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों का एक कुटिया में डेरा था और ये लोग निर्माणाधीन सड़क पर कार्य कर रहे थे, तभी बदमाशों ने इनके साथ मारपीट कर इनसे मोबाइल, चांदी की चेन और कुछ नगद राशि लूट ली। साथ ही खबर ये आ रही है कि इन्होंने एक महिला के साथ दुष्कर्म भी किया है, जिसकी अभी जांच चल रही है। SDOP ऐश्वर्या शास्त्री तत्काल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई। वहीं घटना की गंभीरता को लेते हुए रात्रि में SP वीरेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर पहुंचकर टीम गठित की और रात में सर्चिंग शुरू की, लेकिन लुटेरा का कोई पता नहीं लग सका। घटना की सूचना मिलने के बाद धर्मेंद्र चौधरी पुलिस महकमे के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की। SP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2-3 बदमाशों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि पूर्व में भी सरदारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट के साथ हत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन बदमाशों से पुलिस के हाथ खाली ही रहे। रिंगनोन में लूट के दौरान हत्या हुई थी, जिसको एक वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। तो उसकी जांच करी मैंने, तो मेरे को जांच में देखा था कि उसकी कमर में घुटों पे रगड़ के निशान भी थे, और मैंने जब जांच किया तो जांच में मैंने उसकी जो स्लाइड है, बाल है और जो भी सबूत होते हैं मैंने उसके निकाल के भेज दिए हैं जांच के लिए। बाकी उसके साथ में बलात्कार हुआ ये तो अपन को सबूत नहीं मालूम पड़ेगा। तो उसने कहा था कि मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ। कितने लोग? 3-4 बता रही थी, 4-5 लोग। भोपावर में कोई घटना घटित हुई है, पूरा क्या मामला है सर? जी, रात में लगभग 12 बजे के आसपास की घटना है। भोपावर ग्राम सरदारपुर थाने का है। यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, जिसमें रात को भी मजदूर जो है काम कर रहे थे। तो रात में लगभग 12 बजे के आसपास कुछ बदमाश वहाँ पर आए और उन लोगों ने जो है पत्थर मारा इनके ऊपर, और इनसे कुछ मोबाइल फ़ोन, करीब 4-5 मोबाइल फ़ोन है इनके, स्मार्टफोन जो छोटे वाले होते हैं, एक चांदी की चेन और कुछ पैसे ज़्यादा नहीं थे, मजदूरी करने आए हुए थे, ये लूट करके ले गए। और इसके अतिरिक्त वहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक टपरी बनी हुई थी, वहाँ पर जो है महिला के साथ में ये लोगों ने जो है दुष्कर्म किया है, ऐसी रिपोर्ट मिली है। इसमें रात को सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है, और नाकेबंदी करके जितने भी संभावित आने जाने के मार्ग थे वहाँ पर हम लोगों ने जो है सर्चिंग कराई थी। इसमें कुछ नाम भी आए हैं हमारे पास, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम जो है आरोप लगे। सर, बदमाशों की संख्या कितनी? बदमाशों की संख्या करीब जो है दोनों घटनाओं का अगर मिला लिया जाए तो 10-12 के आसपास है।